ओ। नमो नम गीताभ्यास टू डैश सिक्क्टी टू ध्यान प्लस टू डैश सिक्स्टी थ्री क्रोधा अ स्टडी बाय एस्ल अभ्यंकर मुंबई रविवासरे जुलाई ट्वेल्थ 2020. It would be good to begin every session of Gita abhyasa with recitation of Gita Adhyanam and the Namana Vakyam. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayana Naswayam Vyasena Grathitam Purana Munina Madhyemahabharatam अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् ॐ परमात्मने नमः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गास्सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहाः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रूणात बुद्धिनाशोऽस्मृति प्रणश्यति पद्धचेदा ध्यायता विषयान् पूङ्सा संगह तेशु उपजायते संगात संजायते कामः कामाः क्रोधाः अभिचायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति बुद्धिनाशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशा प्रणश्य पदाभ्यास ध्यायतः ध्यई प्रथमगणीय परस्मैपदी चिंतायां शत्रु विशेषण ध्यायत तस्य पुल्लिंगं षष्ठी एकवचनं ध्यायतः म्यूजिंग विषयान, विषय पुिंग द्वितीया बहुवचन ऑब्जेक्ट्स, पुंसाह, पुंस पुिंग षष्ठी एक ऑफ मैन पुंसा संग ऑलो संगा बौद्धवर्स प्राप्ति संग पुिंग प्रथम एक वचन संग संगात, पुिंग पंचमी एक संग अटैचमेंट तेषु तत् इति सर्वनाम पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन उपजाते उप प्लस जन चतुर्थगणीय आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुषा एक वचन डेवलप संजायते सम प्लस जन चतुर्थगणीय आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुषा एक वचनम गेट्स क्रििएटेड हेपन्स्ो बिकॉज ऑफ् उप एंड सम द टू डिफ्रेंट उपसर्गस् द मीनिंग इज चेंजिंग उपजाते इज ड एंड संयते गेट्स क्रििएटेड हेपन्स वी हेव काम ऑलसो काम प्रातिपद काम पुिंग पंचमी एक वचन पुिंग प्रथम एक वचन काम एंड का पुलिंगम पंचमी एक काम डिजायर क्रोधा ऑलसो क्रोधा क्रोध प्रातिपीक क्रोधा पुिंग प्रथम एक क्रोधा पुलिंग पंचमी एक वचन क्रोध प्रथम प्रथमगण परस्में पदी लट्ल प्रथम पुषा एक बिकम्स सम्मोह सम्मोहात सम्मोह प्रातिपदिक सम्मोह पुिंग प्रथम एक वचन सम्मोहांग पंचमी एक सम्मोह डिस्ट्रैक्शन डेल्यूजन स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रम प्रातिपदिक पुिंग प्रथम एक वचन स्मृते विभ्रम सूति स्मृति विभ्रम ष्ठी तत्पुषा स्मृते स्मृति स्त्रीलिंग षष्ठी एक स्मृति मीन मेमरी बट इट्स एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड मीनिंग बिकम्स डिस्क्रिशन बिकॉज डिस्क्रिशन हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हाट एज बीन स्टोर्ड इन द मेमरी बिभ्रम विभ्रम पुिंगं प्रथमा एक वेवर्डने स्मृति विभ्रम वेवर्डने डिस्क्रीशन स्मृतिभ्रंशा स्मृतिभ्रंश प्रापदिंग पंचमी एक वचन स्मृते भ्रंश षी तत्पुषा स्मृते व्यवस्थि भ्रंश भ्रंश प्राप्लिंग प्रथमा एक फॉलिंग डाउन फेल्युर् स्मृति बाय फॉलिंग डाउन और फेल्युर ऑफ़ डिस्क्रीशन बुद्धिनाश ऑलसो बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्राप्क बुद्धिनाश प्रथमा प्रथम एक बुद्धिनाशिंग पंचमी एक बुद्धे षष्ठी तत्पुषा बुद्धे बुद्धि प्रातिपद स्त्रीलिंग ष्ठी एकन इंटलेक्ट नाश नाश पुल्लिंग प्रथम एकनम बुद्धिनाश डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटलेक्ट प्रणश्यति प्रलस् नश् चतुर्थीय पदी लट्ल प्रथम पुषा एक टू पेरिश अन्वया था ध्यान विषयान पुंसा इन ऑफ अ पर्सन हू डेल्स ऑन ऑब्जेक्ट्स संग तेज उपजाते देर आ रईजेस एटेच्टॉर दंगा संजाते काम फ्रॉम अटैचमेंट ग्रोज हैंक काम क्रोधा अभी जाये थ्रॉम हैंकिंग स्प्रिंग्स एंगर् क्रोधा बमोह फ्रॉम एंगर फॉलोज फॉलोजेल्यूजन समोह स्मृति विभ्रम फ्रॉम डेल्युज ऑफ़ डिस्क्रिशन, स्मृति स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशा, फ्रॉम वेवर्डने ऑफ़ डिस्क्रिशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ़ इंटेलेक्ट, बुद्धिनाशा प्रणश्य फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ़ इंटेलेक्ट, द पर्सन पेरीशंदो विश्ल ध्यात विषयान पुंस शयान पु एक मात्रा एक संगस्तेषुपजाते वजाय मात्रा मात्राह एका द्वे एका संगा संजयते कामह यतेका इतेशाम मात्राह एका द्वे द्वे काम क्रोधो भिजय इतेशाम मात्राह एका द्वे एका इट इज अन स्तुप छंदह नाउ लेट अस चेक दी अदर वर्स अदर श्लोका क्रोधात भवति सम्मोह ति सम्मोह ति सम्मो मात्रा एका द्वे द्वे सम्मोहा स्मृति विभ्रम तिबिभ्र एषाँ मात्रा एका द्वे एका बिकॉज ऑफ भ्र वी गेट्स टू मात्रास स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिना बिकॉज ऑफ धी बू गेट्स टू मात्रस् धी ह्रस्व हैज़ वन मात्रा एंड ना हैज़ टू मात्रा सो द पैटर्न ऑफ मात्रा मत्र टू वन टू विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दि यूजल पैटर्न ऑफ वन टू टू बुद्धिनाशा प्रणश्यति प्रणश्य मात्र एका. इन दर्ड क्वाटर् दर इज डेविएशन फ्रॉम अन्ष्टुछन But the rhyming, the reading of it, is not getting affected. It is going smooth. Swadhyaya, notes of self-study. The import of these two shlokas reads like a passage in a textbook of psychology. I would only think that Kamat Krodhaha Abhijayate from hankering springs anger presumes non-fulfillment of the desire. Fulfillment of desire often becomes a very challenging task in parenting. I wonder whether textbooks on criminology also say that mind turns criminal due to non-fulfillment of desires. Also, I would think that non-fulfillment of desires would cause not necessarily krodha anger, it may cause frustration, nairasham, which may also lead to sammoha, delusion. Then, sammoha smrti from delusion, waywardness of discretion, smrti from waywardness of discretion, destruction of intellect, and buddhinashat pranashati, from destruction of intellect, he perishes. People committing suicide perish due to frustration, not anger. Perishing is also not necessarily death. A lunatic also is as good as perish. It comes to mind that Krodhaha is from Krudh. K plus Rudh. Note, Rudh means to obstruct. Krodh meaning getting angry includes not just obstruction but retaliation. Krodhaha is extrovert retaliation and Nairasham is introvert nair retaliation. Both are bad. Possibly nairasham is more dangerous because it can accumulate and build up pressure like trapped steam. Whether due to Krodhaha, anger or nairasham frustration, the final result is pranashyati, perishes. The root cause is not even anger or frustration. The root cause is seemingly non fulfillment of desires. But the real root cause is emanation of desire, which is caused by attachment or association. Sangha Sanjayate Kamaha. This also is not correct. The question is why or how Sangaha. एटैचमेंट और एसोसिएशन डेवलप डैट हेपन्स् देश विषयानध्यात पुंसा अ पर्सन डुवेलिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक्चुअली अंडर्स्टैंडिंग ऑफ दी श्लोक ईज बेटर बै लुकिंग एट द फ्रेजेज बैकवर्ड्स स्टाटिंग फ्रॉम प्रणश्यति कस्श्यति बुद्धिनाशा प्रणश्यति कस् बुद्धिनाश स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाश कस्मा स्मृति विभ्रम सम्मोहा स्मृति विभ्रम कस्मा सम्मोह क्रोधा नैराश्या कस्मा क्रोधा नैराश्यम व कामूर्ते काम से अपूर्ति काम कस्मा संगा संग कस्मा विषय से ध्यान दिस इज रूट कॉज फेल्युअर एनालिस अ टेक्निक very much advocated in maintenance engineering this is also called as why 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 analysis Kasma. in maintenance engineering a damaged part can be replaced this is also practiced in medical field in knee replacement kidney replacement liver transplant even heart transplant but there is no such Transplant remedy for brain damage. In neurosurgery, I believe it is only cleaning the brain of unwarranted matter and correcting the distortions. In management and in PERT, project evaluation and review technique, PERT, they also advocate mid course correction. That is possible if the course is long longer the course, more the opportunities for mid-course correction. Younger a person is, there are more opportunities for mid-course correction. There are many instances when people realize that their career should have been different. Appropriate mid-course correction is possible if the course is long. The course between Vishayanam Dhanam to Pranashahar has 7 to 8 steps. So mid course correction should be possible. Is that Sankhyatam detailed in what Sankhyam Sri Krishna Bhagavan has offered to delineate? We will see. Shubhamastu.